Virtual NFT shopping. Meta Entertainment. Now entering Innovation Factory headquarters. Multiple projects under development. BFIC Network. BFI Coin. Exchange on. First investment. E-bonds. Bulleto. Insured trading. Crypto Cash. Block Hub. Virtual Meet. Time to travel. Trump Card. Snake and Ladder. Love Wallet. CryptTube. Metamall. P2P Property. BFIC Academy. BFIC Store. Thank you for visiting Innovation Factory. गुड इवनिंग गाइज, होप्स आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री। दिस इज शाहनवाज अली और आज स्पेसिफिक मेरा फर्स्ट सेशन है, क्योंकि अब से पहले मैंने एक दो बार सेशन जरूर लिया है, बट नाउ कि मैं प्रॉपरली आप सबके साथ इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को लेकर डिस्कस कर सकूँ, तो होप्स आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं जो अपने आप में इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़े अचीवमेंट्स ऑलरेडी अचीव कर चुका है और आज इंडस्ट्री के अंदर हम एक एग्जांपल के तौर पे लोगों के सामने आ रहे हैं। तो आज सबसे अच्छी बात यह कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो दुनिया में इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, या मैं ये कहूँ कि इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से जो चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं। तो आज एक हमारा एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो बिलव नेटवर्क के नाम से मार्केट के अंदर सबसे फास्टेस्ट रूप में ग्रोइंग स्टेज की तरफ मूव कर रहा है, तो आज हम कुछ बातें करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके मैक्सिमम 30-45 मिनट्स में आपके लूंगा, और इन 30-45 मिनट्स के अंदर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप सबसे उस अपॉर्चुनिटी से आपको अवेयर करा सकूँ जो शायद लास्ट हाफ ईयर से लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा चेंज जो इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री लेके आई है, उसके थ्रू आने वाले जो करोड़ों लोग इस ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं, या जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ एसोसिएट हैं और जो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहे हैं, और आने वाले लोग जो एक नए न्यू कमर लोग हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी एज एन इनोवेशन फैक्ट्री ने डिजाइन की है, वो किस तरीके से हमारे साथ एसोसिएट होकर फाइनेंशियली चीजों को अपनी किस तरीके से फ्री कर सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनोवेशन फैक्ट्री आज मैं अगर ये कहूँ कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट टेक कंपनीज में से एक कंपनी है जो स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो इनोवेशन फैक्ट्री ने लगभग 32 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट डेवलप किए हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कम्प्लीट एक इकोसिस्टम। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या आप एडवांस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको आवश्यकता होती है कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी, आप ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकें जो लोगों की जिंदगी को थोड़ा इजी कर सके फाइनेंशियली रूप में। तो हमें सबसे अच्छी बात यह है कि एज एन इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री आपने 2.5 ईयर्स की जो इनका अपना एक एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, 2-2.5 साल के अंदर जो इन्होंने किया है मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हमारे पास बताने के लिए हमारी हिस्ट्री है, हमारी सक्सेस जर्नी है, किस तरीके से हमने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर लोगों की जिंदगी को किस तरीके से इजी किया है, और लोग किस तरीके से आज करोड़ों लोग हमारे साथ एसोसिएट और हमारे प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बिलव नेटवर्क की बात करते हैं। तो ये बिलव नेटवर्क उन कंप्लीट इकोसिस्टम में से एक प्रोजेक्ट है जो अपनी ब्लॉकचेन या अपने नेटिव कॉइन के यूज केस के लिए क्रिएट किया गया, और ये कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं या हम एज एन बिलव नेटवर्क प्रोजेक्ट की बात करें मार्केट के अंदर, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू कंपनी का अपना क्या विजन है, कंपनी इसको क्यों लेकर आई, अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो सिर्फ कंपनी का एक मोटिव है, क्योंकि जो कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, उस कंप्लीट इकोसिस्टम को किस तरीके से कम्युनिटी यूज कर सके। और किसी भी, जब आप कंप्लीट इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, तो आपको आवश्यकता होती है कि आप ऐसा कुछ डिलीवर करें जिससे कि लोग आए और उसको यूज कर सकें। तो दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ एक विजन है कि हम 2023 में किस तरीके से 100 मिलियन के ट्रैफिक को रेज कर सकें, किस तरीके से 100 मिलियन यूजर हमारे पास आ सकें, और जैसे ही 100 मिलियन अगर हमारे पास आते हैं तो उसके थ्रू हमारा कंप्लीट जो इकोसिस्टम है वो सक्सेसफुली ड्राइव हो पाएगा मार्केट के अंदर। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमने जो लास्ट 1 मंथ के अंदर अचीव किया है वो शायद पहले कभी नहीं हो सका।
इस इंडस्ट्री के थ्रू, या मैं ये कहूँ कि जो लोग नेटवर्किंग या एफिलिएट करते हैं, शायद उनसे इससे पहले कभी ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाया कि आप इतना बड़ा नंबर या इतने बड़े अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकें। तो मैं चलता हूँ। आज अगर आप की बात करते हैं तो एज ए प्रेजेंस अगर आप देखते हैं तो पूरी दुनिया आज कहीं ना कहीं बिल ऑफ नेटवर्क को ज्वाइन कर चुकी है। हमारी जो प्रेजेंस है आज वो 205 कंट्रीज के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं करना है, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे फाइंड करेंगे तो ये स्टेट्स बताते हैं कि हम 205 कंट्री के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि आप दुनिया के हर एक देश के अंदर आज पहुंच गए हैं। हाँ, हो सकता है डेफिनेटली कि अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से लोग अपनी कहीं ना कहीं कहते हैं कि पार्टिसिपेशन कहीं का ज्यादा होता है, कहीं का कम होता है। हाँ, डेफिनेटली कुछ एशियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट फाइनली हम पूरी दुनिया के अंदर आज अवेलेबल हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कि कंपनी ने आपको या किस तरीके से हम कम्युनिटी को हेल्प आउट कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से लोगों को ला सकते हैं, उसको लेकर जो एक पूरा कंप्लीट इको सिस्टम या एक स्टेकिंग प्रोग्राम जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है वो किस तरीके से लोगों की हेल्प करेगा, उस पर हम बात करते हैं। और अच्छी बात यह कि जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड कहने के लिए आसान हो सकता है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज होती है कि आप किसी भी एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर लेकर आए कि लोग उसको यूज कर सकें, उस तक लोग उससे अवेयर हो सकें। तो कंपनी ने इस चीज को डीप लेवल पर पहुंचाने के लिए कुछ बड़े ब्रांड इन्वेस्टर को साइन किया, जो बड़े नाम है अपने आप में ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर मिस्टर संजय दत्त, और क्रिकेट लेजेंड की अगर हम बात करते हैं वसीम अकरम उज़ ऑन पैनल, और आज अगर डांस असेसन की बात करते हैं तो नूरा फतेह इज़ ऑन पैनल, इमरान हाशमी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन नजरुद्दीन, अली कुली मिर्जा, सिफा यूसुफ जय एंड ओवेस मंगलवाला। दैट मीन्स ये वो कुछ बड़े नाम हैं जो ऑफिशियली हमारे साथ एज एन ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए हैं और हमारे हर एक प्रोडक्ट को, हर एक प्रोजेक्ट को ये मार्केट में प्रमोट करते हैं या हमारे प्रोजेक्ट की अच्छाइयाँ बताते हैं, जिससे कि कम्युनिटी इससे अवेयर हो सके और इसका बेनिफिट ले सके। मैं बात कर रहा हूँ कि बिल ऑफ टोकन का टोकनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, किसी इकोसिस्टम से आप कैसे चीज़ों को हेल्प आउट करके किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, या किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं कि उनकी एक फाइनेंशियल अर्निंग किस तरीके से उनको हेल्प आउट करेगी उनकी डेली बेसिस की जिंदगी को। तो मैं थोड़ा सा इसके टोकनाइजेशन की बात करता हूं आपसे। तो आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि ये कम्प्लीटली कम्युनिटी बेस्ड टोकन है और ये हमारी खुद की ऑन ब्लॉकचेन जो BFIC स्कैन लौटा है उसका नेटिव टोकन है, जिसको डेवलप किया गया है एज ए रिवॉर्डेबल टोकन के रूप में। तो जो इनिशियली सप्लाई है वो है 3 ट्रिलियन। होप्सो कि ये बड़ा फिगर है, आपको लगेगा 3 ट्रिलियन इज ने ह्यूज सप्लाई, बट इसके साथ एक सबसे अच्छी चीज जो मैनेजमेंट ने डाली है वो है बर्निंग मैकेनिज्म। आप लोग बड़े अच्छे से समझते होंगे कि बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है, कि किसी भी एक एक्स नंबर ऑफ टोकन को किसी एक ऐसे वॉलेट पे ट्रांसफर कर देना जिसका कोई भी जिसके पास किसके राइट ना हो, उसका कोई मालिक ना हो, और वो एक तरीके से नंबर ऑफ टोकन की सप्लाई बिल्कुल एक तरीके से हम कहते हैं कि उसको जो मेन सप्लाई उससे खत्म कर दिया जाता है और वो रिड्यूस हो जाती है और वो कभी भी यूज में नहीं आती है। तो एवरी मंथ बर्निंग 10% की इस पर एप्लीकेबल की गई है, और वो तब तक एप्लीकेबल की गई है कि जब तक हमारी जो मैक्सिमम BLV की सप्लाई है 20 बिलियन नहीं आ जाती है। हाँ, डेफिनेटली इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो शायद 22 से 25 महीने तक का टाइम इसके अंदर लग सकता है इस सप्लाई को रिड्यूस करने में। जो बैटरी के अंदर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी मैक्सिमम वो 20 बिलियन रहेगी। 20 बिलियन पे आके बर्निंग मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जब भी आप बर्निंग, आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को अगर देखा होगा, चाहे बाइनेंस की बात करते हैं BNB की, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन पे बर्निंग मैकेनिज्म को एप्लीकेबल किया गया था और उनके प्राइस में अप्रिसिएशन लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि जब भी कोई आप सप्लाई रिड्यूस करते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे प्राइस में मूवमेंट आता है और डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। अब आप BLV टोकन को किस तरीके से बाय कर सकते हैं, कैसे आप बाय करेंगे, तो आपके पास हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक्सचेंज जोन। ये वो एक्सचेंज जो आज से 200 साल पहले हमने डेवलप किया था, ये ओल्ड वर्जन अभी भी मार्केट के अंदर लाइव है, और इसके थ्रू आप एक्सचेंज पे जाके जो प्रोटोकॉल है जिस तरीके से आप BLV बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं ऑफिशियली प्राइस के ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह कि मैं आपको बताने पर मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि इसका एडवांस वर्जन भी कंपनी बहुत जल्दी लाइव करने जा रही है। और एडवांस वर्जन का आप अगर देखेंगे एक्सचेंज को, तो अगर आपने मार्केट के अंदर बाइनेंस यूज किया होगा तो होप्सो आपका बेटर एक्सपीरियंस उससे भी अच्छा रहेगा कि बाइनेंस की जो आने वाला एडवांस वर्जन है वो मार्केट में किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, आप फाइनेंशियली किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे क्रिप्टोस के अंदर। हाँ, मैं बात करता हूँ कि BLV का जो टोकनाइजेशन था उसके साथ साथ किस तरीके से मार्केट में इसको लाया गया, किस तरीके से मार्केट में इसकी सप्लाई को दिया गया। तो जब इसकी टोटल टोकन्स की सप्लाई को रिसीव बनाया गया तो उसके बाद इसको हमने एज एन ए प्रीवियस प्रोजेक्ट कंपनी ने कुछ चीज़ों को फॉलो किया और BLV टोकन्स का जो ITO करना था उसको 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया।
तो 3 फेसेस में जो सप्लाई है वो कैसे जाएगी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि टोटल जो इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन, मैक्सिमम जो सप्लाई रहेगी वो रहेगी 20 बिलियन, बट 20 बिलियन का एक तरह से 25%, दैट मीन्स मोर देन 5.18 बिलियन के आसपास की सप्लाई। कंपनी ने मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि इसको हम I2 के थ्रू जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, बहुत सारी चीजें कंपनी को मैनेज करनी होती है, तो उसके लिए एक नंबर ऑफ परसेंटेज या एक नंबर ऑफ टोकन्स ITOs के थ्रू मार्केट में जाने थे, जिसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंपनी सोल्ड कर चुकी थी बिफोर 1.5 मंथ पहले, जिसका प्राइस था मात्र 0.0125 सेंट, दैट मीन्स 0.25 सेंट ओनली, और टोटल ITO की सप्लाई का 50% टोकन, दैट मीन्स 2.59 बिलियन, लगभग 2.5 बिलियन प्लस टोकन फर्स्ट ITO में सेल किए गए कंपनी की तरफ से। और आपको ये बिल्कुल शोक करने वाली बात लगी, कंपनी का जो एक टाइम पीरियड था कि इस ITO को 48 घंटे के अंदर कंपनी ने रिलीज करना था, 48 घंटे के अंदर, बट ये ITO कंपनी ने बहुत ही कम टाइम के अंदर, ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे के अंदर ये ITO क्लोज हो गया। उसका रीजन ये था कि ऑलरेडी इनोवेशन फैक्ट्री के पास उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट की सक्सेस से करोड़ लोग ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो लोग जानते थे कि इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया लास्ट 2 साल के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर क्या चीजें और हो सकती हैं, तो लोगों ने इसको इनिशियली टेकन किया और बहुत जल्दी लोगों के पास ये पहुंच गया। मैं अगर बात करता हूं कि इसमें जो 2.5 बिलियन की सप्लाई थी कि किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, आने वाले जो दो ITO हैं उनके अंदर कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो कंपनी की तरफ से कुछ कंडीशंस इसके अंदर डाली गई। वो कंडीशन ये थी कि एक व्यक्ति या एक इन्वेस्टर जो आएगा वो मैक्सिमम 1 लाख टोकन ही ले पाएगा, तो दैट मीन्स फर्स्ट ITO में तो मैक्सिमम यूजर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे वो मोर देन 25,000, मतलब 25,000 लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे इस सप्लाई के अंदर, और वो 25,000 लोगों ने वो सप्लाई बाय की। सेकेंड ITO जो हमारा आएगा वो आएगा 1st of May को, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ ही ITO आ रहा है, और इसका ऑफिशियली प्राइस ऑलरेडी 3 सेंट का है, और इसमें जो सप्लाई आएगी तो टोटल ऑफ सप्लाई है ITO की उसका 30%, दैट मीन्स लगभग 1.55 बिलियन इसमें जो सप्लाई आने वाली है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1.55 बिलियन। अब 1.55 बिलियन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो प्राइस है वो 3 सेंट का है, जो मैक्सिमम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो मैक्सिमम 15,000 के आसपास, दैट मीन्स अब आप ये देखिए कि ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ी कम्युनिटी जो हमारा हिस्सा बन चुकी है, करोड़ों लोग आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितने लोगों को टोकन्स यहाँ मिलने वाला है ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया कि वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस ITO के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आप पहले से रेडी रहें और कोशिश करें कि जो भी आपके पास एक ईजी वे है बाय करने का, टोकन लेने का, उस पर आप काम करें। नंबर थर्ड मैं बात करता हूँ थर्ड ITO की, जो थर्ड ITO ऑलरेडी प्लान है वो है 1st of July को आना। 1st of July जो ITO आएगा उसका इनिशियली प्राइस रहेगा 0.06 सेंट, दैट मीन 6 सेंट का प्राइस हो जाएगा 1st of July को। तो 1st of July को जो भी ITO आएगा इसमें जो टोटल सप्लाई आएगी वो लगभग 1 बिलियन के आसपास आएगी, तो 1 बिलियन सप्लाई जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे मैक्सिमम 10,000 लोग, तो दैट मीन्स आप ये देखिएगा कि कंपनी ने जो डिसाइड किया 3 फेसेस में ITO को उसमें मैक्सिमम जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे 50,000 लोग, अब ये 50,000 लोगों के थ्रू ही पूरी सप्लाई मार्केट के अंदर रूट हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट ITO के अंदर टोकन्स बाय किए थे मैक्सिमम लोगों ने 95-100% लोगों ने उसको स्टेकिंग पे लगा दिया, अब स्टेकिंग पे लगा दिया दैट मीन्स कि वो टोकन्स अगेन कम बैक टू कंपनी के पास आ गए। एक्चुअल में जो उन पर रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है स्टेकिंग प्रोग्राम के रूप में वही मार्केट की एक्चुअल सप्लाई है, दैट इज द रीजन कि लोग आज मार्केट में टोकन नहीं ले पा रहे इजिली या टोकन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। वो सप्लाई कम कैसे है उसको लेकर मैं आपको बाद में थोड़ा सा क्लियर करूंगा। किस तरीके से आप अपने टोकन या अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से आप बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कंपनी का अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है जिसका नाम है लव वॉलेट। ये बिल्कुल सिमिलर ट्रस्ट वॉलेट की तरह काम करता है, तो आप चाहें तो लव वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपनी जो अपनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो भी अवेलेबल आपकी मनी है, आप उसको सेव कर सकते हैं। यस, आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का सिर्फ एक सिंपल फॉर्मेट है। अभी ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और गूगल प्ले स्टोर की अगर आप स्टेट्स चेक करेंगे तो हमें आज बड़ा प्राउड फील होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट के 1 महीने के अंदर हमें 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। ये मेरे बोलने से नहीं होता था, आप जाएंगे तो गूगल पे अगर आप चेक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे जो डाउनलोड्स हैं वो 10 मिलियन से ज्यादा हो गए विद इन 1 मंथ। ये बोलना बड़ा ईजी है, कहना बड़ा ईजी है, लेकिन जब एक टेक कंपनी या आपके प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं तो वो लोगों को कितना पसंद आता है कितना नहीं आता है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 10 मिलियन डाउनलोड होना भी अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और अच्छी बात है कि जो कुछ चीजें इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की गई स्टार्टिंग के 10 मिलियन अकाउंट्स पे वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी हैं चीजें,
क्योंकि दो लोग स्टार्टिंग के 1 करोड़ लोगों में थे, जिन लोगों ने इसको डाउनलोड किया तो उनको 100 BLB फ्री मिले हैं जो ऑटो स्टेक पे गए हैं, और एवरीडे उनको 1 टोकन मिलेगा 500 डेज तक। दैट मीन्स वो 1 करोड़ लोग खुश नसीब है जिन्होंने इनिशियली फेस में पार्टिसिपेट किया, और $1,000 का रिवॉर्ड सबको फ्री मिलेगा टिल 500 डेज के अंदर। यस, ये कुछ एक स्लाइड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बताती है कि गूगल प्ले स्टोर पे आप नंबर 1 पे ट्रेंड करें हैं। दैट मीन्स आपकी एप्लीकेशन मार्केट में या गूगल ने जो स्ट्रीट्स रिव्यूज दिए हैं कि आपने नंबर 1 पे ट्रेड किया है, और ये अपने आप में ट्रेंड करना नंबर 1 पे बहुत बड़ी बात होती है। ये इतना इजी नहीं था, ये इतना इजी होता भी नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करें और मिलियंस ऑफ लोग उसको डाउनलोड करें और उसके बारे में जो रिव्यू जो फीडबैक दें वो अपने आप में, जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहे होते हैं या एज एन टेक कंपनी आपको डिलीवर कर रहे होते हैं और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करे, तो ये इससे बड़ी सक्सेस कोई हो नहीं सकती। अब मैं बात करता हूँ आपके काम की, जो लोग मुझे सुन रहे हैं ये आपके काम की बात, और ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे प्रोजेक्ट की, कि जो कंपनी ने फर्स्ट आईटीओ के बाद जो स्ट्रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये मैं अगर कहूँ कि जो कंपनी का प्रीवियस प्रोजेक्ट था BFIC नेटवर्क सेम उसी को ऑलमोस्ट फॉलो करता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाया गया, उससे ज्यादा कुछ अर्निंग रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। तो BLV स्ट्रिकिंग प्रोग्राम के अंदर आप जो स्ट्रिकिंग रिवॉर्ड का बेनिफिट लेते हैं वो आपको आपके एक्स अमाउंट, दैट मीन जो भी कोई एक्स अमाउंट आप स्टेक करते हैं BLV के अंदर, उस पर आपको 1% का डेली रिवॉर्ड आता है, 1% डेली का रिवॉर्ड आपके हाथ आता है। तो दैट मीन्स अगर आपने एग्जाम्पल के रूप में 10,000 टोकन स्टेक किए हैं, और जो भी टाइम पीरियड है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये 500 डेज का ही प्रोजेक्ट है, ये 500 डेज तक ही आपको प्रोजेक्ट आपको रिवॉर्ड देगा। तो अगर आपने 10,000 टोकन स्टेक किए हैं तो यू विल गेट 5x, दैट मीन्स 50,000 मैक्सिमम टोकन आप ले सकते हैं। एवरीडे आपको 1% का रिवॉर्ड आएगा, दैट मीन्स 100 टोकन आपको डेली रिसीव होंगे टिल 500 डेज। अब इसके अंदर बातचीत आती है, जो आपको रिवॉर्ड डेली आ रहा है वो रिवॉर्ड आपका विड्रॉलेबल है, आप कहीं भी विड्रॉ करके उसको बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। और आपके थ्रू जो आप पे टोकन आते हैं आपको किसी भी प्रकार से बाउंड नहीं किया गया स्टेकिंग के लिए, आपका अपना राइट है, आपको ठीक लगता है तो आप स्टेक करें, नहीं लगता तो नहीं करें। ये जो रिवॉर्ड है आपको 500 डेज तक आपको मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज ये रहेगी कि इसका जो प्राइस है वो इंटरनल मैकेनिज्म के हिसाब से ग्रो करेगा, और पब्लिक एक्सचेंज पे जो प्रोजेक्ट जाएगा या टोकन जाएगा वो 500 डेज के बाद जाएगा। 500 डेज तक ये प्रोजेक्ट इन हाउस एक्सचेंज पे ट्रेड होगा, जिसको भी बेचना है वो बेच सकता है, बट पब्लिक एक्सचेंज पे ये प्रोजेक्ट 500 डेज के बाद आपको अवेलेबल हो पाएगा। मैं बात करता हूँ कि आपको क्या रिवॉर्ड या क्या चीजें आपको आती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपके थ्रू अगर कोई भी एग्जाम्पल के रूप में आपने कोई भी अकाउंट स्टेक किया है, चाहे वो 100 का स्टेक किया या 500 का या 1,000 का या 1,00,000 टोकन का आपने स्टेक किया है, आपके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को अगर अपने रेफरल कोड से स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके थ्रू कराएगा कोई भी एक्स अमाउंट स्टेक है, उस स्टेक अमाउंट पे आपको 10% का रिवॉर्ड रिसीव होता है इंस्टेंट। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एक व्यक्ति को अपने अकाउंट के थ्रू रेफर कोड से दिया और उसने 1,00,000 टोकन स्टेक किए, तो दैट मीन्स 10% ऑफ द डायरेक्ट रिवॉर्ड मुझे रिसीव होता है 10,000 टोकन। तो 10,000 टोकन मुझे इनिशियली उसमें मिल जाता है, और 10,000 टोकन जब मेरे पास आते हैं तो दैट मीन्स आज की वैल्यू उसकी बैठती है सब $300 के आसपास, वो $300 आपको रिसीव हो जाते हैं इंस्टेंट। उसके बाद एक जो मैं कह दूँ कि अगर आप एज एन एसोसिएट काम कर रहे हैं, आप अपने रेफरल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी गाइस, यस, मैं बात कर रहा था कि जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग आज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो वो किस तरीके से वो चाहे तो एक पार्ट टाइम या मैं कहूँ कि अपना 100% देख के एक एक्स अमाउंट या एक बड़ा फिगर किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। उनको प्रमोट करने का जो बेनिफिट है वो टिल 500 डेज तक आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर मुझे किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया तो उसको मेरे स्टेकिंग अमाउंट पे 10% मिलेगा, बट मैं उसके एल1 लेवल पे आऊंगा तो मुझे जो रिवॉर्ड डेली का आएगा उसका भी 20% उसको रिवॉर्ड मिलेगा। एग्जांपल देने एक बार एक एग्जांपल और रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल
किसी व्यक्ति ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने 1 लाख टोकन का स्टेक किया, तो स्टेकिंग पे उसको 10% तो वन टाइम आ जाएगा डायरेक्ट बोनस, जो 10,000 टोकन बैठता है। उसके अलावा मैं उस व्यक्ति का L1 लेवल पे आऊंगा तो मुझे जो 1 लाख टोकन की स्टेकिंग में जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है 1%, दैट मीन्स 1,000 टोकन, उस 1,000 टोकन का 20%, दैट मीन्स 200 BLV एवरी डे आएंगे टिल 500 डेज। दैट मीन्स जितना रिवॉर्ड मुझे आएगा उतना ही रिवॉर्ड मेरे स्पॉन्सर को आएगा। तो ये जो एसोसिएटेड रिवॉर्ड है वो 15 लेवल में डाइल्यूट हो जाता है। अगर आप सेकंड लेवल पे जाएंगे तो 12% आएगा, थर्ड लेवल पे जाएंगे तो 5% आएगा, फोर्थ लेवल पे जाएंगे तो 4% आएगा, फिफ्थ लेवल पे जाएंगे तो 3% आएगा, सिक्स्थ लेवल से लेकर 12th लेवल तक 2% आएगा, फिर अगेन अप करेगा बढ़ेगा, 13 लेवल पे 3%, 14th पे 4% और 15th पे 5%। दैट मीन्स 15 लेवल तक आपको अपनी टीम के स्टेकिंग रिवॉर्ड का रिवॉर्ड मिलेगा टिल 500 डेज। और ये इनकम या ये रिवॉर्ड्स का जो बोनस होता है ये बहुत बड़े फिगर में कैलकुलेट हो जाता है। और जब आप देखेंगे जैसे प्राइस इसका ग्रो कर रहा है तो आपकी जो अर्निंग है वो मल्टीपल हो जाती है। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर डाले गए हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को एलिजिबल कर पाते हैं रिवॉर्ड्स इनकम लेने के लिए। अगर आपने मात्र 1,000 टोकन को BLV को स्टेक किया हुआ है तो यू विल क्वालिफाई टू द 1 लेवल रिवॉर्ड्स, आप 1 लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने 10,000 टोकन की स्टेकिंग की है, दैट मीन्स $300 के आसपास की, तो आप 3 लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपने 20,000 टोकन BLV की स्टेक किया तो यू विल क्वालिफाई टू द 5 लेवल। अगर आपने 30,000 दैट मीन्स 30,000 टोकन आपने स्टेक किए हैं तो आपके 7 लेवल इनकम हो के लिए लेने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपने 50,000 टोकन का स्टेक किया है तो आप 10 लेवल की इनकम लेने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और आपने 70,000 टोकन का अगर स्टेक किया है तो आप 12 लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और सबसे अच्छा फिगर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सारी कैलकुलेशन 1 लाख पे देता हूँ, तो अगर आपने 1 लाख टोकन का स्टेक किया हुआ है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है कंप्लीट 50 लेवल पे जाके डायल्यूट कर जाते हैं, 50 लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आपको हर एक लेवल से रिवॉर्ड आ रहा होता है। तो 1 लाख टोकन कोशिश कीजिएगा आप अपने पॉकेट के हिसाब से, मैं किसी को इस चीज के लिए फोर्स से बाउंड नहीं करता, आप अपने पॉकेट के हिसाब से अपने किसी भी एक पैकेज को चूज कर सकते हैं स्टेकिंग के लिए और उसके लेवल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। 10% बर्निंग की मैंने आपसे बात कही कि एवरी पर जो टोटल इनिशियल सप्लाई है उसकी बर्निंग का हर महीने 10% टोकन बर्न होगा। फर्स्ट बर्निंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 1 अप्रैल को, जिसमें 3 ट्रिलियन का 10% ऑलरेडी सप्लाई को बर्न किया जा चुका है। जिस इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था वो इकोसिस्टम की स्लाइड आपके सामने है। और ये इकोसिस्टम मैं कहूं कि ये स्लाइड देखने के लिए एक स्लाइड है, लेकिन इसके अंदर मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स हैं। और ये 30 प्रोजेक्ट्स यूज केस हैं BLV टोकन के, BFIC कॉइन के। तो जो हमने कॉइन डेवलप किया, जो ब्लॉकचेन हमने डेवलप की, जो कंप्लीट इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है, वो हर एक प्रोजेक्ट आपके लिए हेल्प आउट करेगा, आपके लिए एक यूज केस बनेगा और उस करेंसी के लेन देन में वो यूज होगा, तो आपकी करेंसी की डिमांड या आपके टोकन की डिमांड ऑलवेज भी ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू द पब्लिक डिमांड। तो हम बात कर लेते हैं इस इकोसिस्टम में कुछ बड़े प्रोजेक्ट की जिसकी हम बात करते हैं, जिनपे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लगाई है और वो प्रोजेक्ट आज लाइव है। BFIC स्कैन की मैं बात करता हूँ तो ये हमारी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और 3rd जनरेशन ब्लॉकचेन है, जो 1 सेकंड के अंदर 1 लाख ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए डेवलप की गई है। दैट मीन्स थोड़ा डिफरेंट लेवल पे इसको डेवलप किया गया है और आप इसको लाइव टेस्टिंग करके देख सकते हैं, ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन आपके लिए यूजफुल है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं BFI कॉइन, जब हमने फर्स्ट ब्लॉकचेन अभी डेवलप की थी तो उसके ऊपर नेटिव कॉइन डेवलप किया गया, जिस तरह हमने BFI कॉइन। और BFI कॉइन की अगर मैं बात करूं तो शायद आपके लिए कुछ आंकड़े जो मैं पेश करने वाला हूं वो आपको हैरान करने वाले हैं। BFI कॉइन की जो सप्लाई थी वो 21 मिलियन थी, सेम एज इन बिटकॉइन को, बिटकॉइन के एल्गोरिथम को इसमें फॉलो किया गया। और ये रिवर्डेबल कॉइन था, हमने शायद पहला प्रोजेक्ट मार्केट को दिया कि जो आप यूज कर रहे हैं डिवाइस, जो आपका स्मार्टफोन होता है उसके थ्रू आप माइनिंग कर सकते हैं कुछ कॉइन डाल के, और वो आपको 400 डेज तक माइनिंग का रिवॉर्ड देंगे। जो टोटल सप्लाई थी उसका 25% ICU किया गया था, रेस्ट 75% को सिर्फ एज ए कॉइन रिवॉर्ड, माइनिंग रिवॉर्ड के रूप में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको जानकर हंसी होगी, खुशी होगी कि इस बात की कि आप ये देखिएगा कि जो 75% का रिवॉर्ड था उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो $1.02 बिलियन के आसपास आती है। एक इतना बड़ा रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 400 डेज कंपनी ने चलाया, जिसको लास्ट बिफोर 2 मंथ पहले ही थाईलैंड के अंदर सेलिब्रेट किया गया। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट के अंदर आई, अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उसको कंप्लीटली सक्सेसफुली ड्राइव किया और कंप्लीट करा, $1 बिलियन का फंड लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये इतना ईजी नहीं है या इतना ईजी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन की। ये हमारा इनहाउस एक्सचेंज है और इस पे आप किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हैं, इसका एडवांस वर्जन बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। BFIC नेटवर्क को आप डाउनलोड कर सकते हैं BFI माइनिंग के लिए। उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डेक्सा, बी लव नेटवर्क, बी लव टोकन, ट्रस्ट अकेडमी, और एक बड़ा प्रोजेक्ट फिर और आता है जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमसे आपसे कोरिलेट करता है,
आप दुनिया में ट्रेवल करते हैं, लोग आते जाते हैं, तो लोग अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे हमारी कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो टाइम टू ट्रैवल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मार्केट के प्राइस पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल, booking.com है, अगोडा है, मेक माई ट्रिप है, ये वो एप्लीकेशन जो मार्केट में ऑलरेडी है, प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप टाइम टू ट्रैवल, अभी इसकी लॉन्चिंग डेट आने वाली है, जिसकी ब्रांड नेम नूरा फतेह है, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगा। आप एग्जाम्पल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप फेयर के थ्रू जाते हैं तो यू विल गेट द 5% डिस्काउंट, बट अगर आप हमारी नेटिव कॉइन या नेटिव टोकन के अंदर कोई पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलता है ऑन द करंट प्राइस। ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर आपके रेफर कोड के थ्रू कोई भी ट्रैवल एजेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसके ऊपर भी आपको जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 5% आपको एज ए कमीशन बोनस आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मार्केट के अंदर अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी करोड़ों लोगों की कम्युनिटी है जो हमारे पास पहले दिन से है, और जो आउटर ट्रैफिक है वो भी हमें कहीं ना कहीं कोरिस करेगा। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात करते हैं, BFI स्टोर। ये ऑनलाइन स्टोर है, 1000 स्टोर, और ब्रांड को इसमें ऑलरेडी लिस्ट कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल होगा और आप इस पे जाके किसी भी तरह के किसी भी बड़े ब्रांड के साथ शॉपिंग कर पाएंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे पेमेंट के, आप अपने BLOVE या BFIC के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, आप फेयर के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ा नाम आता है हम जिसके लिए जाने जाते हैं, बुलेटो। तो ये हमारा अगेन, ये जो जिस प्रोजेक्ट से इस कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई थी फेलियर से, ये वो प्रोजेक्ट है जिसको अब अगेन हम एज ए कंपनी उसको लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। और बुलेटो मार्केट के अंदर एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिस तरह के मैकेनिज्म पे इसको डेवलप किया गया है, या ये मैं कहूँ कि लोगों की जिंदगी में शायद जिन लोगों ने बिटकॉइन का सिर्फ नाम सुना था वो 0.01 बिटकॉइन लगा के 128 बिटकॉइन तक अर्न कर सकते हैं अपने ट्रैफिक के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि बुलेटो किस तरीके से मार्केट के अंदर छाने वाला है, क्योंकि बुलेटो के लिए ऑलरेडी हम जाने जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फोलोन, या नेटफ्लिक्स की तरह काम करता है। आप इसमें मात्र $2 का सब्सक्रिप्शन पे करके आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन गेमो के सुपर इलेवन जोकर, सुपर इलेवन लाइक जैसे इंडिया के अंदर मैं बात करूँ कि हमारे फैंटेसी एप्लीकेशन काम करती है ड्रीम इलेवन की तरह, सुपर इलेवन दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर काम करेगा, और आप यहाँ पे जाके अपने कोइंस के अंदर यहाँ पर फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम प्ले कर पाएंगे, लाइव गेम का आप लाइव फायदा उठा पाएंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जोकर की बात करते हैं। जोकर लाइक टिकटॉक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, और आपने कुछ दिखाओ कि जब भी कुछ आप एडवांस लाते हो तो उस वर्जन के अंदर कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हम क्रिएट करते हैं। आज हम टिकटॉक की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या है कि जो कंटेंट क्रिएटर होता है जिसके पास एक अच्छा खासा व्यूज होता है या अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, वही कुछ ना कुछ कमा पाते हैं। लेकिन जोकर के अंदर जो करने जा रही है कंपनी वो शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर होता है जिसके पास कम व्यूज होते हैं, कम सब्सक्राइबर होते हैं, वो भी यहाँ से रिवॉर्ड के रूप में पैसा बनाएंगे, और उसको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो रिवॉर्ड भी BLOVE और BFIC के रूप में मिलेगा। या एक नई चीज जो ऐड होगी, अनदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्रिप्टो कैश, ये एक तरह से पेमेंट गेटवे, इसका आप कार्ड ले सकते हैं, जैसे बैलेंस ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रोवाइड चीजें कराई थी, पे प्लस है। हम मेटामॉल की बात करते हैं, तो ऑलरेडी हम मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये मेटामॉल के अंदर आप BFIC कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर मेटामॉल यूज कर पाएंगे, उसको आप इजिली यूज कर सकते हैं। फिर ट्रंप कार्ड है। ग्लोकअप की बात करते हैं, ये हमारी टेक कंपनी है जिसके थ्रू अभी आपने देखा होगा BLOVE नेटवर्क को डेवलप किया गया है। वर्चुअल मीटर लाइक जूम की तरह काम करती है, और ये भी आपके पास अवेलेबल होगी, आप अपने ही प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों के साथ मीटिंग कर पाएंगे। P2P प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो P2P प्रॉपर्टी जो आपके पास अवेलेबल है, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप कहीं भी, जैसे खासकर मैं स्पेसिफिक बात करूँ कि हमारा हेडक्वार्टर दुबई है, तो दुबई के अंदर भी रियल एस्टेट बहुत हाई लेवल पे ट्रेड होता है, तो आप अपनी करेंसीज के थ्रू यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर भी डील कर पाएंगे, बाय सेल कर पाएंगे। क्रिप्टोयूब की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसका लोगो देख रहे हैं तो इससे आपको एहसास होगा कि ये एक तरह से यूट्यूब को खा रहा है। दैट मीन्स ये वो प्रोजेक्ट है जिससे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी लगाई है और ऑलरेडी ये डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होने वाला है कि जैसे क्रिप्टो अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो यूट्यूब कहीं ना कहीं आपको जो इनिशियली बेनिफिट देता है, आपके पास एक बड़े सब्सक्राइबर हैं, आपके फैन फॉलोइंग बड़ी है, तो आपको रिवॉर्ड अच्छा आता है। लेकिन ये पहली बार होगा कि जो हमारा ट्रैफिक होगा, जो हमें वॉच कर रहा होगा, उसके वॉचिंग टाइम को भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसको एज एन BFIC या एज एन BLOVE उसको रिवॉर्ड हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसके अंदर लगभग मोर देन 32 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लिए गए हैं जो आपके BFIC या BLOVE को सपोर्ट करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, और कंपनी के लिए बेनिफिट क्रिएट कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये वो स्लाइड है जो आपको थोड़ा सा एहसास
जाएगी कि आपके द्वारा लगाई गई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट या आपके द्वारा क्या गया किससे कमाऊं, वो किस तरीके से आपको पोटेंशियल दे पाएगा, आप किस तरीके से यहाँ से रिवॉर्ड ले पाएंगे। जिस व्यक्ति ने फर्स्ट आईटीओ में टोकन बाय किए होंगे और $1,250 की वैल्यूज पर उन्होंने बाइंग की होगी, तो उनको 1,00,000 टोकन उनको मिले होंगे। वो 1,00,000 टोकन जो उनके मिले होंगे, अगर उन्होंने सेम इनिशियली फेस में 1st of March को वो स्टेकिंग पर लगा दिए होंगे, तो उनको जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है वो आता है 1%, दैट मीन्स 1,000 टोकन। तो उनको मंथली जो एक पोटेंशियल ग्रोथ का जो चार्ट हमने दिखाया कि उनको लगाए गए $1,250 कितने बड़े एक्स अमाउंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो चार्ट आप देख पा रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट मंथ उस व्यक्ति को जो रिवॉर्ड मिला होगा वो मिला होगा $600 का, सेकंड मंथ जो उसको रिवॉर्ड रिसीव हुआ होगा जो अप्रैल मंथ के अंदर वो $900 का, थर्ड मंथ पे ये जाएगा $1,500 का, फोर्थ मंथ में जाएगा $1,800 का, फिफ्थ मंथ में उसका रिवॉर्ड हो जाएगा $2,400 का। इस तरीके से आप देखेंगे जब नेक्स्ट मंथ आएगा, बिल्कुल एंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस मंथ 16वां मंथ आएगा, 16 महीना आएगा, तो उसका एक मंथ का रिवॉर्ड भी $30,000 होगा। गाइस जस्ट आप इस स्लाइड को देखिए और फील कीजिए कि आपके द्वारा लगाए गए $1,250 आपके एक मंथ के स्टेकिंग रिवॉर्ड की जो वैल्यू होगी 16 महीने में वो $30,000 होगी, $30,000। मैं आईएनआर की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस टोटल फिगर कैलकुलेट करेंगे तो $1,250 आपके लगाए हुए मोर देन $1.5 लाख में कन्वर्ट होते हैं, $1.5 लाख की वैल्यू आप क्रिएट हो जाती है आपके लगाए हुए मात्र $1,250। मैं अगर बात करूं लगभग ₹1,00,000 का अमाउंट आपका आईएनआर लगभग 1.25 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होता है सिर्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में। ये इसकी पोटेंशियल है, ये इसकी पावर है प्रोजेक्ट की, क्योंकि डिमांड मार्केट के अंदर बहुत तेजी से जनरेट की जा रही है और डिमांड जनरेट होने का रीजन ये है, ये पूरी इंडस्ट्री या पूरा ट्रेड ही डिमांड सप्लाई पर बेस्ड है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की आज मार्केट में डिमांड है तो उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी। तो यही रीजन है कि आज 3 सेंट पे भी टोकन अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। मैं आपको बता दूं या आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं कि टिल 15 तारीख तक मार्केट के अंदर इजिली टोकन शायद मिल रहा है या मिल पाएगा। 15 तारीख के बाद किसी भी व्यक्ति को टोकन अवेलेबल नहीं हो पाएगा इजिली, क्योंकि सबको पता है कि आईटीओ आना है, आईटीओ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है और लोगों ने एडवांस पेमेंट दे रखी है अपने टीम लीडर्स को, और जैसे रिलीज होगा क्योंकि इस आईटीओ के अंदर मैक्सिमम 15,000 लोग ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सप्लाई वेरी लेस है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड करना है। और उसके नेक्स्ट डेज का प्राइस 5 सेंट जाने वाला है, तो हर एक व्यक्ति स्मार्ट है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा लिया हुआ माल 3-3.5 सेंट का, मैं उसको माल को बेचू 5 सेंट पे, तो दैट मीन्स हर एक व्यक्ति बेनिफिट उठाना चाहता है। तो आपको अपने हिसाब से चीजों को प्लान करना है और जिस तरीके से भी आप बाय कर सकते हो आप बाय करने की कोशिश करें। बात कर रहा हूँ कि BLV एक्सचेंज पे कब जाएगा, तो उसकी जो कंप्लीट प्लानिंग है मैनेजमेंट तक से वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट BLV नेटवर्क अपना 5 डेज पूरा कर रहा होगा, उसके बाद जब ये पब्लिक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए जाएगा तो इसकी वैल्यू $100 के आसपास होगी और मोर देन 50+ एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज की रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो मार्केट में पहले नहीं हो पाया वो इनोवेशन फैक्ट्री ने या BLV नेटवर्क ने कर दिया है, क्योंकि दुनिया को ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक की डिमांड है, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एवरीवन, तो दैट इज द रीजन कि आज मेजर एक्सचेंज अप्रोच कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्रियों के हम अपने प्रोजेक्टों के साथ लिस्ट करें, तो वो आप देखेंगे आने वाले वेरी फ्यू मंथ के अंदर कि किस तरीके से कितने बड़े एक्सचेंज को हम अनाउंस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए इजी रहेगा ट्रेड करना और आउटर ट्रैफिक भी इसको ज्वाइन कर पाएगा। फाइनली BLV के अंदर यही था मेरी तरफ से, और कोई क्वेश्चन से जो भी चीज आपके रह जाएंगे आपके पास, आपके जिस व्यक्ति ने आपको रेफर ये लिंक आज दिया हुआ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आप उसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन है, किस तरह कोई कंसर्न है आप उसको रेज कर सकते हैं। आप मेरे साथ अगर एसोसिएट हैं तो आप मुझसे अपना क्वेश्चन या कंसर्न रेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और कुछ फैक्ट एंड फिगर पर मैं बात करूंगा, मैं जस्ट स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ और अपना कैमरा लाइव करने जा रहा हूँ, तो जिससे कि आप मुझे देख भी पाएं कि आपको जो आज मीटिंग जिनके थ्रू दी जा रही है कि वो कैसे दिखते हैं, किस तरह से हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे देखेंगे। कुछ फिगर मैं आपको दूंगा, होप सो आप थोड़ा सा रेस्ट लेने एक मिनट के लिए, आपके पास ऑलमोस्ट 30-45 मिनट समय हो गए हैं, तो आप पानी वानी पी लें एक मिनट। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन आज दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे कितना ईजी है और किस तरीके से आप एक बड़े फिगर को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। मैं बात नहीं कर रहा कि लोग 5 लाख 10 लाख लोगों के नेटवर्क किस तरीके से डायलूट करते हैं, हाँ डेफिनेटली हमारे पास एक बार ट्रैफिक एक बार नेटवर्क है, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी जो मैंने पहले भी दी थी, मैं आज अगेन उनको रिपीट करूंगा कि आपकी जिंदगी में 10 लोग कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने अपने जैसे 10 लोगों को फाइंड किया है और 3 लेवल पर अगर आप काम करेंगे, मात्र 3 लेवल पे, तो यू विल मेक मिलियन। कैसे, उसको लेकर मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बस कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ, तो कुछ स्लाइड्स में आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे आप देख पाएंगे।
सो गाइस आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं बस कुछ कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। किस तरीके से आप चीजों को आगे लेके जाएंगे और ये फॉर्मूला किस तरीके से आपको यूजी कर सकता है। देखो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रेंक एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग मेरे साथ एसोसिएट है ही नो वेरी वेल कि मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से मैं किस तरीके से काम करता हूँ, और मैं आप जो चीजें जिस तरीके से जो चीजें मैं करता हूँ मैं कोशिश करूँ कि वही मैसेज आपके साथ मैं कन्वे कर सकूँ, और आप उसी फॉर्मेट पे काम करेंगे तो शायद रिजल्ट्स जो आपके पास अभी आ रहे हैं वो रिजल्ट थोड़े अलग हो सकते हैं, और आपकी जो इनकम है जिसके लिए आप आज मुझे सुन रहे थे या आपने अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम आज निकाला इन 30-40-50 मिनट के लिए, वो कैसे आपको आगे लेके जा सकता है। क्योंकि एवरीवन नीड टू द मनी, सबको पैसे चाहिए, सब पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा वो भी सही तरीके से, अगर सही तरीके से आपके पास पैसा आता है तो उस पैसे का एक अलग ही मजा होता है, आप उसको फील कर पाते हो, आप उसको एंजॉय कर पाते हो। तो आपकी इनकम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ देने जा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा कि एक रफली एग्जाम्पल है क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूँ तो ये मेरी आदत है कि मैं फिगर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हाँ, आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं अगर 1 लाख टोकन के ऊपर आपको कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप 10,000 से चाहें 10,000 से, वो फिगर सेम आपके पास आ जाएगा, 5,000 से चाहें 5,000 से, आप 1,000 से चाहें 1,000 से, आप 50,000 से चाहें तो 50,000 से, और कोई मुझसे भी ज्यादा एडवांस और स्मार्ट है तो वो 10 लाख से भी कैलकुलेशन कर सकता है, वो जितनी जल्दी चाहे जितना बड़ा बना सकता है। कैसे बन सकता है पैसा वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप हैं और आपने मात्र 100 के BLB स्टेक किए, ये क्लियर होगा आपको। मैं 1 लाख टोकन की बात कर रहा हूं, आज की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है $3,000 आपने स्टेक किए। आपको जो वर्किंग करनी है, आपको जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए सर 90 डेज का, 90 डेज का आपका वर्किंग टारगेट होना चाहिए। लेकिन इस टारगेट को आप 3 जगह डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 3 महीनों में आप डिवाइड करेंगे। हर महीने की वर्किंग को आपको अलग एनालाइज करना है और परफॉर्म करना है, बातें नहीं करनी है, ना ही मेरी बातों को सुनना है। आपने जो मैं बता रहा हूँ अगर इसको फॉलो करेंगे तो शायद रिजल्ट आपके पास अच्छे हो सकते हैं। अभी जो लोग कह रहे होंगे कि मेरे पास ये इनकम आ रही है, मेरे पास ये इनकम आ रही है, मैं ये प्रूफ कर दूंगा आपको कि आप 1 महीने की वर्किंग के साथ साथ आप मिनिमम मंथ का $5,000 फर्स्ट मंथ में निकालेंगे और 3 महीने के बाद आप एवरीडे 5,000 निकालेंगे। इसके लिए अगर आप एग्री करेंगे तो शायद आप इस कैलकुलेशन समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम भी आपको कम से कम $5,000 देगी और आफ्टर 2 मंथ बाद, दैट मींस कंप्लीट 10 डेज के बाद, यू विल गेट एवरीडे मिनिमम $5,000। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, उस पर काम करना है। आपने अपनी वर्किंग को 3 लेवल में डिसाइड करना है, L1, L2, L3। L1 से आपको डायरेक्ट क्या आता है, 10% रिवॉर्ड आता है, और L1 से आपको जो बोनस आता है टीम का वो आता है 20% ऑफ टीम बोनस। हम L2 की बात करते हैं, L2 में आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपको बोनस आएगा आपकी टीम का, टीम बोनस जो आपको आएगा वो आएगा मात्र 12%। L3 पर अगर आप जाएंगे तो L3 पर आपको सिर्फ टीम बोनस आएगा और वो टीम बोनस कितना आएगा, 5%। आपको इन 3 लेवल्स को याद रखना है। मैं 15 लेवल की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है 15 लेवल के अंदर। अगर आप 3 लेवल पे ही वर्किंग करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, मैं उसकी कैलकुलेशन आपको देने जा रहा हूं। आपने टारगेट लेना है L1 पे 30 डेज का, फर्स्ट 30 डेज का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आज मैं अगर बात करूं, जैसे आज की डेट हो गई है 11th of April, 11th of April की अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपने आज ही 1 लाख टोकन स्टेक किए हैं और आज से आपने वर्किंग करनी है तो यू हैव 30 डेज टाइम। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा कि आपको भीड़ को ढूंढना है, आपको बड़े बड़े लीडर को एसोसिएट कराना है, आप अपने जैसे जो सही लोग हैं, जो सच में कुछ करना चाह रहे हैं, जिन लोगों के सामने फाइनेंस के चैलेंजेस हैं और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे 10 लोगों को फाइंड कर लीजिए, ओनली 10 टीम मेंबर्स। अगर आप ये 10 लोगों को फाइंड कर पाए 1 महीने के अंदर, 1 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है। बहुत सारे लीडर भी कहेंगे कि नहीं मैं तो ये काम 3 दिन में कर दूंगा, मैं 5 दिन में कर दूंगा, मैं बातों में नहीं जाता। आपके पास 3 दिन का टाइम है एक बंदा फाइंड करने के लिए। आप जरूर 100 लोगों से बात करेंगे, 50 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों से बात करोगे, तो आप एक व्यक्ति निकाल पाओगे 3 दिन के अंदर जो आपकी बातों से एग्री करेगा। क्योंकि कन्विंस पावर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितने मोटिवेट हो, आपके अंदर कितना लेवल का कॉन्फिडेंस आपको दिखता है, आप किस तरीके से कंपनी को लेकर पॉजिटिवली बातें कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप डेफिनेटली यहाँ किस तरीके से करोड़ रुपए बना सकते हो या मिलियंस ऑफ डॉलर का कैसे आप धंधा रेस कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ये करने में कामयाब रहे, क्योंकि ये काम मैंने ऑलरेडी किया है,
मैंने आपको 10 का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 15 लेवल पे मतलब 15 लोगों के साथ मैंने कैलकुलेशन किए हैं और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल मैंने जब कर लिया है, प्रैक्टिकल करने के बाद एक महीने के अंदर मैंने प्रैक्टिकली काम किया है और उसी को मैं आपके सामने डुप्लीकेट कर रहा हूँ, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो आपके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, अगर फर्स्ट मंथ में आपने मात्र 10 लोगों को एसोसिएट किया और एवरीवन कम टू द विद 100 के बीएलवी, आपका जो टीम बिजनेस हो जाता है वो हो जाता है सर 1 मिलियन। 1 मिलियन का बिजनेस आप पहले ही मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाए, लेकिन कम से कम आपको 1 मिलियन बिजनेस करना है। 1 मिलियन बीएलवी का अगर स्टेक आपने करा दिया अपनी टीम के अंदर, तो आपको क्या आ सकता है, आपके पास डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा 10%, दैट मीन्स 100 के टोकन, वैल्यू इज $3,000 एज ऑफ नाउ आज के हिसाब से। बट जब ये मंथ आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सर $5,000 इन 1 लाख टोकन की। उसके अलावा जो बड़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, टीम बोनस, आपकी टीम को जो अगर 1 मिलियन टोकन के स्टेक पे रिवॉर्ड जाएगा वो जाएगा एवरी डे 10 की बीएलवी। बट हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट ऑफ 20% ऑफ योर टीम बोनस, दैट मीन्स 2000 बीएलवी एवरी डे। 2000 बीएलवी अगर आपको एवरी डे आएंगे, जिसकी वैल्यू आज से एक महीने के बाद 0.06 सेंट चली जाएगी, तो सर ये वैल्यू बैठती है आपकी $120 डेली इन 30, दैट मीन्स ये आपका बैठ गया $3,600। आपको शायद मेरी कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी कि आपने मात्र 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, उन पे आपको जो डायरेक्ट रिवॉर्ड आया वो आया 100 के टोकन, दैट कम मिनिमम वैल्यू $5,000, मैक्सिमम $6,000, क्योंकि एक महीने के बाद इसका प्राइस अभी 15 डेज के बाद इस प्राइस पे पहुंच जाएगा। जब आप 11 मई को बैठे होंगे और आप अपने एक महीने की वर्किंग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपको जो रिवॉर्ड रिसीव होगा वो $6,000 आएगा आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड, और आपको जो एवरीडे मिनिमम आ रहा होगा वो $120 आएगा, तो $3,600 महीने का हो गया। मैंने बात की थी कि आप फर्स्ट मंथ में मात्र $5,000 कमाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे 6000 प्लस 3600 प्लस आपकी जो स्टेक है उस पर भी आपको 30,000 टोकन आएंगे, जिसकी वैल्यू बैठेगी लगभग 30,000 टोकन की वैल्यू आएगी निकल के मोटा मोटा $1,800। तो दैट मीन्स ये आपका बैठ जाता है $11,400। सो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मात्र एक महीने की मेहनत, सीरियसली आपने काम किया, 10 लोगों के साथ आपने पार्टिसिपेशन किया और 10 लोगों ने आपको क्या दिया, फर्स्ट मंथ का पे आउट $11,400। कैसा लगा मेरा सरप्राइज आपको, $11,000 का पे आउट, आपसे पहले कभी ऐसा हुआ, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आपने देखा कि आपने स्टार्ट किया और एक महीने बाद, मैं पहले बोल रहा हूँ टू बी वेरी फ्रेंक, आई एम डिस्कस विद द सीरियस टॉपिक, मैं मजाक करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपसे सीरियस बातें कर रहा हूँ। जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी बातों को जो लोग सीरियस लेंगे शायद उनकी जिंदगी में कुछ चेंज आ पाएगा। जो लोगों को ये बातें मजाक लग रही होंगी तो शायद वो मीटिंग से एग्जिट करके जा सकते हैं, वो मुझ पे ना हंसे बिल्कुल भी, वही लोग मुझे सुने जो सच में कुछ करना चाह रहे हैं, सीरियसली काम करना चाह रहे हैं। फर्स्ट मंथ की $11,000 मोटा मोटा 10 लाख रुपए आईना, आपने 10 लाख रुपए कमाए पहले महीने। 10 लाख रुपए कमाना इतना इजी नहीं होता है, मैं इंडिया पाकिस्तान या किसी भी ऐसे कंट्री की बात करूं तो कोई भी कॉमन आदमी 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाता, उसकी साल की इनकम 10 लाख रुपए होती है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। इससे आगे बढ़ते हैं, और आप अगर आप ये करने में कामयाब रहे तो आपने कंजूसी नहीं करनी है, इन $11,000 में से अपनी टीम के उन लोगों के साथ, अगर आप किसी लोकल डोमिनेशन में रहते हैं, किसी लोकल सिटी में रहते हैं और आपके लोग वो आसपास के हैं, तो आप उनके लिए एक अच्छा सा डिनर ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको डिनर पे इनवाइट कीजिए, या अगर डिनर पे इनवाइट नहीं कर सकते हो तो कोई एक डेस्टिनेशन चूज कीजिए, आप जाइए उन 10 लोगों को बुलाइए, उनके साथ बैठिए और जो मैं आपके साथ डुप्लीकेट कर रहा हूँ यही आप उनके साथ बातें कीजिए। जो टारगेट आपने खुद लिया था, अब बात हम कर रहे हैं L2 की, L2 की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आप एंटर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट 60 डेज में, सेकेंड मंथ में आप एंटर कर रहे हैं। तो L2 की वर्किंग के लिए आपने इन 10 लोगों को बुलाया और इन 10 लोगों को वो सेम टारगेट आपने दे दिया अपने टीम मेंबर को जो आपने लिया था, और आपने बोलना है कि मैं सिर्फ 10 लोगों को सपोर्ट करूंगा, जो आप 10 लोग आ जाए हो उन 10 लोगों को बोलो कि आपने अपने 10 लोगों को सपोर्ट करना है, 11वें व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना है, 12वें को नहीं करना है, वो आपकी चॉइस आप कितना करें, लेकिन 10 कम से कम आपको करना है, और 10 को अगर आप सपोर्ट करोगे तो इंटू 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 100। दैट मीन्स
आपका टीम नंबर हो गया 100 लोगों का, और ये 100 लोग आपको क्या देने वाले हैं, ये आपके लिए सरप्राइज है। आपने इन्हें एक महीने का कंप्लीट टाइम दिया, दैट मीन्स एक महीने का आपने लिया तो एक महीने का आपने इनको दिया, आपने कोई गलत इनके साथ नहीं की, जास्ती आपने इनके साथ नहीं की, आपने कंप्लीट एक महीने का टाइम दिया, तो क्या बिजनेस आप कर पाए इनटू 100 केपीएलबी? अभी पॉसिबल है कर पाना आपके लिए, लेकिन जब ये प्राइस 10 सेंट 20 सेंट चला जाएगा तो शायद पॉसिबल ना हो, फिर आपको कम फिगर पे कैपिटेशन करनी पड़ेगी। अभी कर सकते हो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि इन 100 लोगों ने अगर स्टेक किया तो आपके बीएलबी स्टेक होते हैं 10 मिलियन बीएलबी। 10 मिलियन बीएलबी का मतलब हो गया 1 करोड़ टोकन स्टेक हुए आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में। इन 1 करोड़ टोकन से आपको क्या मिला? डायरेक्ट रिवॉर्ड 0। टीम को जो स्टेक रिवॉर्ड जाएगा वो जाएगा कितना एवरीडे, कितना जाएगा 1 लाख बीएलबी। एक करोड़ पे 1 लाख बीएलबी जाएगा। अगर आप देखेंगे 100 अकाउंट्स पे अगर डेली 1000 आ रहा है तो 1 लाख बीएलबी आएगा। इस 1 लाख बीएलबी का आपको कितना आना है, यू विल गेट 20%। हाउ मच यू विल गेट, दैट मीन्स 20,000 बीएलबी एवरी डे। गाइस कैसा लग रहा है? सेकंड मंथ में आपको आपके थ्रू, सॉरी ये एल टू है, 12% आएगा, तो दैट मीन्स 12,000 बीएलबी आपको रिसीव होगा। हम एल टू की बात कर रहे हैं, एल टू का जो रिवॉर्ड है वो 12% है। अगर आपकी टीम में टोटल जो स्टेक हुआ है फंड वो 1 करोड़ होता है तो यू विल गेट 12%, तो दैट मीन्स 1 लाख आपकी टीम को जो रिवॉर्ड जाएगा वो जाएगा 1 लाख बीएलबी डेली, बट यू विल गेट ऑफ 12%, तो दैट मीन्स 12,000 बीएलबी आपको डेली आएंगे। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 0.06 सेंट से, क्योंकि प्राइस इस टाइम बढ़ चुका होगा, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन भी आप करते हो तो 12,000 बीएलबी का मतलब हो गया कि आपको जो डेली रिवॉर्ड आएगा वो कितना हो गया सर, $720, लगभग $720 डेली आप एल टू के रिवॉर्ड पे आ गए। अब आप ये देखो कि $720 ठीक बैठ रहा है, गलत मतलब $720 ठीक है, तो $720 आपको डेली आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं लास्ट L1 वाला और L2। L1 पे आपको कितना आ रहा था, 2000 टोकन डेली प्लस 1000 आपका अपना, तो ये हो गया 3000 बीएलबी और 12000 आपका L2 का, टोटल आपको हो गया सर 15000 बीएलबी। 60 दिन के बाद आपके पास 15000 बीएलबी डेली आने स्टार्ट होगी सर, और 15000 बीएलबी इंटू 0.06 कर दोगे तो आपको जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है वो हो गया सर $900 इंटू 30 कर लीजिएगा, आपकी जो फिगर आएंगे वो आएंगे $27,000 मंथली। सर क्या पॉसिबल है $27,000 बनाना 10 लोगों के थ्रू, मात्र 10 लोगों की टीम के थ्रू 27,000 यू आर मेकिंग एवरी मंथ। INR में देखोगे लगभग 22-23 लाख रुपया आता है, पाकिस्तान में देखोगे हमारे पड़ोसी मुल्क में तो 70-75 लाख रुपया होता है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यू विल गेट मिनिमम ऑफ दिस प्राइस। और इससे अगर आगे चलूं मैं जो सबसे बड़ा गेम है वो है L3, लेकिन ये बात याद रखिए ये तभी पॉसिबल है ये पिक्चर कि आपने अगर 3 महीने अपने डेडिकेशन के साथ काम किया है, आपने अपने टारगेट को नहीं भूला है, उन 10 लोगों को सपोर्ट करना है, उन 10 से 10 को सपोर्ट कराना है, और जो 100 होंगे फिर उन 100 से 10 को सपोर्ट कराना है, लेकिन आपकी हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे वो आपके इनिशियली L1 वाले 10 लोग रहेंगे, और अपने लोगों को 10 को बोलेगा कि वो अपने 10 का ध्यान रखेंगे, और वो जो नेक्स्ट 100 आएंगे वो 100 अपने 10 का ध्यान रखेंगे, और आपका गेम बन जाएगा। फिर आप कुछ करें ना करें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। L3 की मैं बात कर लेता हूं, 100 लोग मेरे पास उस टाइम होंगे और वो 100 के बीएलबी से अगर काम कराएंगे तो सर आपका धंधा हो जाएगा 100 मिलियन बीएलबी। 100 मिलियन बीएलबी दैट मीन्स 10 करोड़ बीएलबी आपके नेटवर्क में स्टेक हुए। सरप्राइज ये आपके लिए कि हाउ मच यू विल गेट, L3 का जो आपका परसेंटेज स्लैब है वो है 5%, 5% ओनली। 10,000 टोकन वाला भी ये काम कर सकता है,
एक लाख वाला अगर मैं नहीं कर पाया, आपके पास एक लाख टोकन स्टेक करने की अगर नहीं है चीजें, तो आप 10,000 पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। L3 का 5% आता है, अगर 10 करोड़ टोकन आपकी टीम में स्टेक हुआ तो उनको रिवॉर्ड जाएगा 1% डेली, दैट मीन्स 10 लाख BLP डेली। 10 लाख BLP अगर आता है तो सर उसका 5% आपको मिलेगा जो बैठता है 50,000 BLP एवरीडे। यही मेरा टारगेट था कि मैं किस तरीके से अपने 1 लाख टोकन पर डेली आ सकूं। वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप किस तरीके से 65,000 टोकन डेली पे आ चुके हैं। 50,000 ये हो गया, 12,000 L2 का हो गया और L1 का 3,000 हो गया। 65,000 की जब आप कैलकुलेशन करेंगे 0.06 है, जो कि प्राइस इस टाइम 0.08 होगा, 0.10 होगा, 10 सेंट प्राइस होगा। लेकिन अगर आप मिनिमम कैलकुलेशन भी पे जाते हैं तो सर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 65,000 BLP × 0.06 दैट मीन्स लगभग बैठेगा $3,900। सर आप आगे ना वहां जहां मैं आपको लाना चाहता था, $3,900 डेली मंथ में कर लीजिएगा, 3,900 × 30 सर कितना हो गया, 3,900 × 30 करोगे $1,17,000। सर ये वो अमाउंट है, ये वो वैल्यू है, ये वो फिगर है जो INR में 1 करोड़ मंथली क्लोज करती है। और ये कब तक आने वाला है, ये नेक्स्ट 14 मंथ तक आपको आने वाला है। मैंने 1 साल की कैलकुलेशन आपको बताई थी कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो लास्ट प्रीवियस हिस्ट्री रही है, आई डोंट नो कि आपने 10, 20, 50 करोड़ कमाए या नहीं कमाए, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी जिंदगी में 10, 20, 50 करोड़ रुपये आपको दे सकता है। ये वैल्यू अगर 10 सेंट पे चली गई तो आप सोचो आपके पास मिलियन टोकन है और कितना बड़ा फिगर आपके पास आने वाला है। ये मैंने आपको मिनिमम पे फिगर दिया है, मैक्सिमम डिपेंड करता है टोकन के प्राइस पे, उसकी पोटेंशियल पे। और मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप अपने टोकन को $1 पे बेचें, 50 सेंट पे बेचें। मैंने आपको वो कैलकुलेशन दिया है कि आप अपने करेंट प्राइस पे टोकन बेचेंगे तब भी आप ये बेंचमार्क अचीव कर सकते हैं। और 1.25 लाख US मंथ बनाना, इट्स नॉट ए लिटिल फिगर, नॉट ए स्मॉल इनकम। ये लोग बहुत सारे ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट या इस कंपनी के अंदर कर चुके हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ अपने उन दोस्तों का जिन लोगों ने इस सिस्टम को विजन दिया, इस सिस्टम को डेवलप किया। मैं अब थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ और आपसे लाइव रूबरू हो जाता हूँ। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ गाइस, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? यस, फाइनली आप मुझे देख पा रहे होंगे। यस, फाइनली शायद आप मुझे देख पा रहे होंगे। और मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि जो भी लोग सीरियस हैं, सच में मैंने आपको वो कैलकुलेशन दी है जो कैलकुलेशन इजी है, पॉसिबल है। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई कैलकुलेशन लिया आपको और आगे कन्वे कर दी, मैंने इस कैलकुलेशंस के ऊपर खुद काम किया, उससे वो रिमार्क अचीव किया जो पॉसिबल था। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखते हुए कि 1,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। सो शायद ही वो लोग हैं जो सीरियस हैं, चाहते हैं कुछ लाइफ में करना। तो डेफिनेटली देखो, कम एज के अंदर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो शायद आपकी फैमिली, आपके परिवार या आपके जो दोस्त या आपके जो रिलेटिव है वो आप पे प्राउड फील कर पाएंगे, क्योंकि शायद ये वो इंडस्ट्री है जिसपे चैलेंजेस बराबर बरकरार रहते हैं। कभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ अलग अलग कंट्री अलग अलग रीजन के हिसाब से क्वेश्चन मार्क इस इंडस्ट्री पर लगते रहते हैं। कभी कैसी न्यूज, कभी किस तरह की न्यूज मार्केट में आती रहती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस मार्केट का हिस्सा है, वो चलता रहेगा, वो आती रहेंगी चीजें। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप कभी भी इस तरह की चीजों को आकर बाउंड ना हो, अपने आप को ना रोक पाए। अगर आपने ये चीजें या इस इन बातों में आके अपने आप को स्टॉप कर लिया तो दैट मीन्स यू विल मिस समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी तो ये शायद दोबारा आपकी लाइफ में ना पाए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कि ये वो लोग हैं, मेरे नोन हैं, मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और सच में इन्होंने वो किया जो मार्केट में शायद कोई ना कर पाया।
और आज जो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ कि डैम श्योर हूँ कि वो लोग इसके आस पास भी रीच आउट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम वो हैं जो किस लेवल पे कहाँ से कहाँ पहुंच गई चीजें। आज आपको ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर आपको प्रमोट कर रहे हैं, आप ICC क्रिकेट इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जो चीजें पॉसिबल नहीं थी वो पॉसिबल की गई हैं। और आपके लिए हम किस तरीके से एज एन इकोसिस्टम को मार्केट के अंदर यूटिलाइजेशन के रूप में प्रमोट कर सकते हैं, उस पर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। इस साल का जो कंपनी का बजट है वो $38 मिलियन का है, $38 मिलियन फॉर द ओनली PR बजट। दैट मीन्स कंपनी चाहती है कि आउटर जो मार्केट है, जो ट्रैफिक जो हमें जानता नहीं है, जो एफिलिएट के थ्रू नहीं आ सकता है, वो किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को यूज करेगा, उस पर काम चल रहा है। और आपको जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें देखने को मिलेंगी और वैसे वैसे गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेंगी। हाँ, कुछ चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, टेक्निकल पार्ट में चैलेंजेस मार्केट में आते हैं, कोई डाउट नहीं इस बात में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम निवेदन है मेरा आपसे, कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे लिए प्राउड करने वाली बात यह है कि इनोवेशन फैक्ट्री किसी के ऊपर बाउंड नहीं है, किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ अपना डेवलप करते हैं, आपका इनहाउस होता है, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेस्ट टेक डेवलपर है जो हमने हायर किए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन इंसान हमेशा सीखता है अपनी जिंदगी में, वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी सीखता रहता है। तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं 100% अच्छा करने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ गलतियां जो हमसे रह जाती हैं, हमारे पास वो चीजें आती हैं, फिर हम उस पर वर्क करते हैं, अगेन हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज हम अकेले नहीं है, हमारे साथ करोड़ों लोगों की फैमिली, करोड़ों लोग आज हमारा हिस्सा है, करोड़ों फैमिली आज हम पे बिलीव करती है, लोगों का फेथ हम पे है। तो हम उनके लिए अपनी तरफ से एक चीज बोलते हैं कि हम थैंक्सफुल टू है कि उस कम्युनिटी का, जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया और जो लोग आज हमें आगे कन्वे कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोगों को मैंने कैलकुलेशन दी, जो लोग सीरियस है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ टीम लीडर इस पे फोकस करें, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहता है, वो डेफिनेटली इस फॉर्मेट पे काम करेगा, और काम करेगा तो डेफिनेटली वो इस पे अचीव करेगा। और जो उसने पहले किया है, नहीं क्या, मैं नहीं जानता उसका कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो प्रीवियस कंपनीज के अंदर, लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो कॉर्पोरेट कंपनी है जो आपको साल दर साल आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती रहेगी, और आपके लिए एक ऐसा सोर्स बन गई है कि हम इस इकोसिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं हर एक रूप में यहाँ पर पैसे बना पाएंगे। किसी तरह कोई क्वेश्चन, किस तरह कोई चैलेंज, हाँ, स्पेशल एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे टीम लीडर से कि आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, अपनी टीम को, जो लोग इनिशियली आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग इस ट्रैफिक, इस माहौल को देख के आपके साथ आ रहे हैं, उनको हेल्प कीजिएगा। अगर आप दो पैसे अच्छे कमा रहे हैं तो आप किसी प्रकार की ईगो को लेकर ना चलें, किसी तरह के चैलेंज को लेकर आप ना चलें, आप कोशिश करें जो डाउन टू डाउन बंदा आपके साथ एसोसिएट हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि आपके थ्रू जुड़ के, आपके साथ एसोसिएट होके वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों की हेल्प करें, अपने से जो डाउन टू बंदा है उसकी हेल्प करें, जिसको नहीं आता है, जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानता है, उसको हेल्प करें कि वो कैसे इस इंडस्ट्री को सीख सकता है। तो प्लीज सपोर्ट करें लोगों को, और बी लव नेटवर्क कितनी जल्दी अपने 100 मिलियन के टारगेट को अचीव करेगा ये हम सब देखेंगे। कंपनी बहुत जल्दी दो इवेंट प्लान कर रही है, एक बड़ा इवेंट जो आज तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ, होप सो इस इवेंट के अंदर 20,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, बी लव या इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू 20,000 लोग ग्लोबल इंडस्ट्री से हमें ज्वाइन कर सके, और हमें दुनिया उस तरीके से देख रही है, और आने वाले टाइम में लोग हमें फॉलो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज जो आपको मैं अवेयर कराना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैम का पार्ट ना बने। बहुत सारे मार्केट में लोग स्कैम करने के लिए अवेलेबल है, कम प्राइस पर टोकन देने के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज आप अपने नॉन सोर्स से ही टोकन लें और उसी बंदे को फंड दें जो आपका रिलायबल बंदा है, वो आपकी कोशिश करेगा, नहीं है वो अरेंज कराएगा। हाँ, टोकन की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो समझते हैं, लेकिन कोई भी आप किसी वे के चक्कर में अपनी हार्ड एंड मनी को लूज ना करें, कम पैसे के चक्कर में गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि आप उस ट्रेड की खुद रेस्पॉन्सिबल है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। आज मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच, मुझसे कोई गलती हुई, आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, अपना भाई सुन के माफ कर दीजिएगा। अगेन मुलाकात होगी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक आप अच्छे रहें, एंजॉय करें, और हैप्पी वर्किंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।